नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एक LED TV रिपेयर करने जा रहे हैं जिसमें नो स्क्रीन की समस्या है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, इसकी समस्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने TV को ऑन कर दिया है और ये आपकी स्टैंड बाई ऑन हो चुकी है, रेड से लाइट ब्लू हो गई है, लेकिन डिस्प्ले पर कोई पिक्चर नहीं आ रही है, ना कोई लाइट जल रही है, डिस्प्ले आपका एकदम ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो अगर इस तरीके की फॉल्ट आती है दोस्तों, तो हम लोग इसको रिपेयर कैसे करेंगे और इसको चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका फॉल्ट सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों, टीवी को ओपन कर ले रहे हैं और आपको बताते हैं इसको चेक कैसे करना है, इस तरीके की अगर समस्या आती है तो इसको हम लोग दूर कैसे करेंगे। तो अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपके लिए और लेके आया हूँ, अगर आप हमारे वीडियो पर कोई कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य दूंगा। कमेंट में तो मैं टेक्स्ट मैसेज में दे देता हूं, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको उसकी समस्या के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो आइए हम दोस्तों आपको चेक करके दिखाते हैं ये कैसे इसको चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, बैक लाइट की सप्लाई होती है, लेकिन जैसे आपकी स्टैंड बाई होती है सप्लाई, ये इंक्रीज होकर बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि स्टैंड बाई होने पर जो बैक लाइट की सप्लाई होती है ये कितनी वोल्ट होनी चाहिए, और इससे क्लियर होगा कि हमारी बैकलाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। दोस्तों, मैंने इसको अपना तार निकाल के फिर से लगाया और मैं यहाँ पे कनेक्टर पे चेक करके दिखा पा रहा हूँ, जैसे 12 वोल्ट दिख रहा है। अभी मेरा स्टैंड बाई जब होगा सेट तो ये सप्लाई इंक्रीज करेगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं 60 वोल्ट के आसपास सप्लाई मेरी बढ़ गई है और ये धीरे धीरे जो है डाउन हो रही है, सप्लाई कम हो रही है। तो यहाँ पर मेरा बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन जो है ये ओके हो चुका है, और उसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें समस्या क्या क्या है, और इसको अगर समस्या इस तरीके की आती है तो हम लोग इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि सप्लाई मेरी इंक्रीज हो रही थी और यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बढ़ रही थी। तो सबसे पहले अगर आपके पास बैक लाइट टेस्टर है तो उसको आप चेक कर लेंगे कि आपकी बैक लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, इससे फॉल्ट क्लियर हो जाएगा, बैक लाइट की प्रॉब्लम है कि आपका पैनल की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया और पाया कि मेरी जो बैक लाइट है वो ख़राब थी। तो हम बैकलाइट को रिपेयर कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पैनल से संबंधित रिपेयरिंग की वीडियो हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से देख सकते हैं पैनल्स में जो फॉल्ट आते हैं उनको चेक करने के लिए। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये पैनल बाहर निकाल लेना है, बहुत ही सावधानी से पैनल निकालना रहता है क्योंकि पैनल टूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप साइड से इसको ओपन करके ये पैनल को आप उठा के यहाँ से हटा देंगे। अब देखेंगे इसके नीचे सफ़ेद कलर पेपर लगा होता है, ये फिल्म पेपर होता है, इसको जब हटाएंगे तो आपको यहाँ पे अंदर बैक लाइट दिखाई देगी। दोस्तों, ये है बैक लाइट और ये ग्लो होती है जिससे हमको पिक्चर क्लियरली दिखाई देती है डिस्प्ले पे। तो ये बैक लाइट ख़राब हो जाती है, कभी एक स्ट्रिप जलती है, दो स्ट्रिप यहाँ पे लगी हुई है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, पिक्चर हमें जो है ब्राइटनेस कम मिलती है या दिखाई नहीं देती है, इस तरीके की समस्या आती है। अगर ऐसी समस्या है तो हमें सबसे पहले बैक लाइट चेक करने की ज़रूरत होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये स्क्रू जो लगे हुए हैं मैं खोल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन दोस्तों नहीं है, मैं खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और खुद ही वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रू ओपन कर ले रहा हूँ और उसके बाद अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो में कटिंग होने का रीज़न यही है कि मैं खुद से ही रिकॉर्ड करता हूँ और खुद से ही रिपेयर करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं ये जो सफ़ेद फिल्म पेपर लगा है इसको यहाँ से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, और हमको दो पट्टी यहाँ पे दिखाई देगी अंदर। आइए इसको देखें, रिमूव करके देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ मैंने, तो इसको हमने यहाँ से हटाया और देख पा रहे हैं दो पट्टी है। बड़ी टीवी में होती है चार लगी रहती है, किसी में तीन लगी रहती है। तो इस तरीके की पट्टी जो लगी होती है इनको आप बैक लाइट टेस्टर के माध्यम से आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको अपने बैक लाइट टेस्टर से चेक कर लिया है कि मेरी जो स्ट्रिप लगी थी ये ख़राब है, और इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको चेंज करके दूसरी स्ट्रिप लगा दी है। अगर कभी कभी एक दो बल्ब गड़बड़ रहते हैं, लोग क्या करते हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से करने पर क्या होता है, आगे का बल्ब जो है वो ख़राब हो जाता है LED बल्ब, और उसकी लाइफ कम होती है, नेक्स्ट टाइम में आपको पैनल फिर खोलना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जब हमने इसको स्ट्रिप चेंज कर दी है और हम इसको स्टैंड बाई ऑन करके देखते हैं, तो ये हमारा LED बल्ब जो है ग्लो हो रहा है, अच्छी तरीके से जल रहा है, देख पा रहे हैं। तो ये मेरा जो दोनों स्ट्रिप है सीरीज में लगा होता है, और इसको यहाँ पे मैंने
जला दिया है, जल रहा है ठीक ठाक। अब हम क्या करेंगे, फिल्म पेपर इसका इंस्टॉल कर देंगे जिस तरीके से लगा था, एकदम उसको सफाई से लगा देंगे। और इसके बाद इसको हम थोड़ी देर जला के देखते हैं, क्योंकि अगर कोई बल्ब इसमें गड़बड़ होगा या कोई फॉल्ट होना होगा तो यह भी हो जाएगा, नहीं हमको दोबारा से मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इसको हम लोग स्टैंड बाई ऑन करके छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो ग्लो हो गया है LED बल्ब, और अच्छी तरीके से जल रहा है, पूरे पैनल पे बराबर लाइट है, कहीं कम ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। कभी कभी ये होता है फिल्म पेपर भी थोड़ा बहुत जल जाता है या कटा पिटा होता है, तो वहाँ पे आपको लाइट कम ज़्यादा होती है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। अब थोड़ी देर बाद जलाने के बाद हम दोस्तों पैनल इसका इंस्टॉल करने कर देते हैं, और उसके बाद हम TV को ऑन करके देख रहे हैं। तो दोस्तों मैंने पैनल जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाया हुआ है, वीडियो बनाते समय पैनल लगाना बहुत ही खतरे से खाली होता है, इसलिए मैंने पैनल इंस्टॉल करके आपको दिखाया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरी पिक्चर जो है आ गई है, और LED TV मेरी ऑन हो गई है, स्टैंड बाई अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो पे, और अगली वीडियो में हम आपके लिए नई नई जानकारी लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।